लवली पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? आई होप एज ऑलवेज सारे सारे बढ़िया होंगे। और माशाल्लाह से आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अगेन इवनिंग में। एक्चुअली मैं आपको काफ़ी रेडी दिख रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक हैंडबैग का शूट किया है और मोस्ट रिक्वेस्टेड था। जॉर्डी कीम के हैंडबैग्स है, अंडर बजट है, काफ़ी अच्छे हैं और स्टाइलिश है। तो मान्या फैशन पर इंशाल्लाह रात में या कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। वैसे मैं अभी पहले चेंज कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि मेकअप ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा किया था। बस मैंने पॉन्ड्स का बीबी क्रीम अप्लाई किया था, लिपस्टिक और थोड़ा ब्लश व्लश लगा लिया था। अच्छा लगता है ना? आप सभी कमेंट करते हैं कि अच्छा लगता है। और शूट्स होते हैं ना, मान्या फैशन थोड़ा सा मेरा सीरियस वाला चैनल है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। मुझे आप वहाँ देख सकते हैं, मेरा एक हैंडबैग रखा हुआ है। मैं एक्चुअली आज बाहर भी गई थी तो, और मेरे कुछ पार्सल भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहीं पे। तो मान्या फैशन मेरा थोड़ा सा सीरियस वाला डिसेंट चैनल है, मुझे वहाँ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारा ही इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ये मेरा स्टिक जो मैंने थाईलैंड से लिया था, काफ़ी तारीफ हुई इसकी भी मेरे व्लॉग्स में। और तो मुझे काफ़ी डिसेंट तरीके से उसमें हर चीज़ की, सिर्फ वहाँ पे क्या सिर्फ मान्या होती है ना, मान्या सिद्धू होती है ना मान्या खान होती है, सिर्फ मान्या होती है। वो आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हर चीज़ बताती है और वापस आ जाती है। लेकिन मान्या व्लॉग्स ऐसा है कि वहाँ एक्चुअल मान्या होती है, वहाँ पे सब कुछ सच होता है, सब कुछ रियल होता है। और ऑब्वियसली व्लॉग है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी वहाँ आ जाती है, मेरी फैमिली आ जाती है, मेरा नेचर, मेरी हर चीज़, तो फ़र्क तो पड़ता है। वैसे मैंने दो दिन से कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप सब कहेंगे हाँ बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप सभी से हम हैं, जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो बिजी नहीं होते हैं या वो कुछ नहीं होते हैं, होते आप लोग, क्योंकि यूट्यूबर्स को बनाने वाले आप लोग होते हो। अगर आप वीडियोस देखते हो तो हमें व्यूज़ मिलते हैं और हमारा चैनल ग्रो करता है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो यूट्यूबर्स मतलब होंगे ही नहीं। यूट्यूबर्स क्या होता है ये किसी को पता नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपको और आप सभी को, जितना जितना भी थैंक्स किया जाए वो है कम। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, क्योंकि आप सभी ने मुझे काफ़ी कम वक्त में काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मुझे ना थोड़ा भी फेस पे कुछ लगा रहा ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्या है क्या है क्या है, इसलिए मैं अभी अच्छे से अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेती हूँ और सब रिमूव कर लेती हूँ। उसके बाद में आपसे बिल्कुल कंफर्टेबल होकर अच्छे से बातें करती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी टी, क्योंकि खान साहब बाहर बैठे हैं, कुछ लोग आए हुए हैं तो वो लोग चिल कर रहे हैं। और आज मेरे बेड पे अल्तमश की बुक्स काफ़ी सारी है, इरेजर है, शॉर्पनर है, पेंसिल है, सारा कुछ आज निकला हुआ है, क्योंकि मैंने एक्चुअली कल से ही अल्तमश की बुक्स निकाल ली थी। नेक्स्ट मंडे से अल्तमश के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और सारी ही मम्मियाँ अपने बच्चों को अब रेडी कर रही होगी, क्योंकि ऐसा हो गया कि लास्ट 2 मंथ से वैकेशंस थे, इंजॉय किया, तो बच्चे ना कहीं भूल जाते हैं। तो उनको मतलब कई मम्मियाँ होंगी जो हमेशा से पढ़ाती आई होंगी बच्चों को, लेकिन मेरे अल्तू ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वो सब कुछ भूले भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत था कि यहाँ वहाँ हो रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छे से उन्होंने राइटिंग किया और कल से मैंने उनको बिल्कुल रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। कल से मैं उनको बिल्कुल टाइम पे सुला रही हूँ, मॉर्निंग में टाइम पे उठा रही हूँ, क्योंकि फिर एकदम से बच्चा उठेगा नहीं ना, जाएगा नहीं। और 24 से इसलिए इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि 1 वीक बच्चों को वो लोग बस रेडी करते हैं, देखते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल हो जाए एंड ऑल। तो बस मुझे लगता है कि सब सारे ही घरों में यही सब चल रहा होगा, सारी ही मम्मियाँ बस बच्चों की तैयारियां कराने में लगी होगी, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हूँ आपको बोल के बता रही हूँ, लेकिन ये जो वक्त होता है ना स्कूल स्टार्ट होने से पहले, तो बस सारा कुछ यही सब चलता है। मेरे अल्तमश की बुक्स आ जाएगी वेडनेसडे के बाद, क्योंकि उसका जो स्टॉक है वो अभी आने का है शॉप पर। और जो अल्तमश की ड्रेसेज है, शूज़ है, उसकी और भी चीज़ें हैं, वो सब लेने में अल्तमश खुद लेके जाऊँगी, क्योंकि वो सब अल्तमश की पसंद का रहेगा, उसके साइज़ का रहेगा। तो जो भी कुछ रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक्साइटमेंट रहती है। और मेरे तो अल्तू में एक्चुअली इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ने लिखने में, मतलब बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है उनको। उनको तो आप छुट्टियां बोल दो, सारी उम्र छुट्टियां हैं, बस वो उसी में खुश है पहले से। और हाँ एक चीज और पता है, जब से अल्तमश ने टिकटॉक पे आईडी बनाई है ना, मतलब बंदे ने मुझे एकदम गरीब बना के रख दिया है। मेरे ट्राईपैड पे, मेरे मोबाइल पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरे कैमरे पे, मेरी स्टिक्स पे, हर चीज़ पे अल्तमश ने कब्जा कर लिया है।
मुझे अल्तमा से मांगना पड़ता है, बेटा मुझे थोड़ी देर के लिए लैपटॉप दे दो, बेटा मुझे बस एक शूट करना है, मुझे ट्राईपॉड दे दो। अभी मैंने आपको बताया जब मैं रेडी थी कि मैंने अभी एक शूट किया, अल्तमा बाहर खेल रहे हैं इसलिए मैंने मेरा शूट किया, क्योंकि मेरे ट्राईपैड मेरी सारी चीज़ें फ्री थी। तो अल्तमश ऐसा कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अल्तमश आते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपना टिकटॉक ओपन करते हैं, कितने फॉलोवर्स हुए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, हर चीज़ मतलब उनको देख के इतनी खुशी हो रही है ना कि हाय। और एक्चुअली पता है वो सिंगल चाइल्ड है ना, होता है बच्चे ज़्यादा लाड़ के होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमारा सिंगल बच्चा है, जो सिंगल बच्चे होते हैं ज़्यादा ही लाड़ में रहते हैं। मेरा बड़ा हमारा वो जिगर का टुकड़ा है, हमारा लाडू बेटा है। और हाँ, आज अल्तमश को चोट लग गई एक्चुअली, देखो मैंने बताना भूल गई, आज दिन में अल्तमश गिर गए सोफे के पास और उनको यहाँ पर काफ़ी बड़ी चोट लगी, काफ़ी ब्लीडिंग हुआ, इंस्टेंटली लकी उसको हॉस्पिटल लेके दौड़े, और अच्छा है, शुक्र है लकी घर पे थे तो उसको लेकर गए, डॉक्टर को वार्निंग दी, डॉक्टर को वार्निंग दी, हाँ यहाँ पर ये दाग नहीं आना चाहिए, रहना नहीं चाहिए, इसको अच्छा वाला ट्रीटमेंट दो, इसको अच्छी वाली ट्यूब्स दो, ये वो। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर बैंडेज नहीं लगाई कि अगर वहाँ हम कुछ भी करते हैं तो दाग रह जाएगा, इसलिए उसको खुला रखा है। और मतलब आज लकी मैच भी नहीं देख रहे हैं, आज लकी हमारे अभी लिविंग रूम में टीवी ऑन है, गिरीश आता है, स्कोर देखता है और जाके बताता है कि इतना स्कोर हुआ है, लेकिन लकी बाहर ही है क्योंकि अल्तमश बाहर खेल रहे हैं। तो अब वो समझ सकते हैं आप कि साढ़े जिगर का टुकड़ा है, तो थोड़ा सा बच्चों का हो जाता है। तो आजकल कुछ नहीं चल रहा है, बस यही सब चल रहा है। एंड सेकेंड चीज़ कि हमको बाहर निकलना था, लकी बीमार हो गए थे, हम लोग नहीं निकले, और अब मंडे से अल्तमश के स्कूल है, अल्तमश की तैयारियां हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि ठीक है थोड़े दिन बाद निकलते हैं, थोड़ी बारिश हो जाएगी तो फिर जाएंगे। लेकिन हाँ, टेंशन नहीं है, अल्तमश के स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम अपने खेत जाएंगे, वहां मैं आप सभी को लेके जाऊंगी, वहां हमारे संतरों के बगीचे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, एज अ पिकनिक हम वहां जाएंगे, और भी हम एक दो जगह जाने के प्लान कर रहे हैं, तो जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ व्लॉग्स में करूंगी शेयर। तो बस फिलहाल यही सब चल रहा है। चलिए मैं बनाती हूँ टी, उसके बाद हम लोग मिलके मारते हैं गप्पे, और मैं आपको फिर मिलाती हूँ अल्तमश से। और तो साडा टी रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं अभी तक तो सारे यहीं पड़े हुए थे जैसे अल्तमश बाहर गया तो सारे बाहर चले गए, और आप देखो बेचारा मेरा लैपटॉप बेचारा। तो चलिए मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ टी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कहाँ है भाई? देखो ये देखो मेरे बच्चा, ये देखो मेरा बच्चा, देखो मैंने बोला था लैपटॉप पे मेरे कब्जा नहीं है। सबको हेलो करो पहले, इधर देखिए अच्छे से, इधर हेलो हेलो हेलो, व्हाट्सएप बच्ची लोग का, व्हाट्सएप बच्चे। मैंने आपको बताया था ना ये कब्जा कर लेते हैं, देखो ये बॉक्सर पहन के। ए अपना नोज दिखाओ, कहाँ लग गया अल्तमश को, देखा आपने कितना बड़ा लगवाया, वरना लूंगी वरना लूंगी, ये देखो जय जय पबजी, जय पबजी। ए पबजी नहीं, पहले व्हाट्सएप बच्ची लोग बोलो, व्हाट्सएप बच्चे। तो ये बहुत ही मस्ती खोर बच्चा है, व्हाट्सएप बच्ची। मैं उसको ब्लैकमेल कर रही हूँ, अगर अल्तमश ने डायलॉग नहीं बोला तो मैं लैपटॉप ले लूंगी, इसलिए अल्तमश व्हाट्सएप बच्चे। मेरे बेबी को लग गया है, देखो मेरे बच्चों ने। और मेरे लैपटॉप पे, मेरे ट्राईपैड पे, सब पे अल्तमश ने कब्जा कर लिया है ना, और मुझे कहता है कब्जा, और मुझे कहता है आप न्यू ले लो, और न्यू ले लो इतना ना कुछ। और मैं कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, तो लकी और अल्तमश दोनों साथ में बोलते हैं चल झूठी। लकी का ऐसा लगता है कि मैं लकी का बहुत सारा पैसा चुराती हूँ। इसमें क्या है, कौन सा लकी यहाँ पे है, हाँ मैं चुराती हूँ। यह हर बीवी का फर्ज होता है अपने हस्बैंड के पैसे में से पैसे मारे और रखे, है ना। तो ऑब्वियसली, और कितनी वाइफ ऐसा करती है मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चोरी नहीं होती है, ये हमारा हक होता है, क्योंकि बीवी को अपना हक मिलने से नहीं मिलता है, तो हमको हमारा हक चुराना पड़ता है। एग्जैक्टली मैं भी वही करती हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा बोलती हूँ मेरे को तो पैसे ही है नहीं। है ना, मेरा बच्चा फ्री हो गया, जा जा मेरे बेबी तो चल लगे, देखो वन एंड ओनली मेरा बेबी, वन एंड ओनली। अच्छा मुझे बताओ एबीसीडी की आप कर लिए रेडी, सब पढ़ लिए? थोड़ा सा ब्लड निकल गया तो बस एनर्जल के पैकेट पी पी के अल्तमश खत्म कर रहा है, डॉक्टर ने बोला।
आप लोगों को पता है मैं संडे के दिन लाइव आई थी, लाइव में आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आई थी और मैं भूल गई तो मैं आज आपसे बात कर लेती हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कॉमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया था। दो से तीन लोग थे जो मेरी नज़र में आए थे जिनको मैंने रिमूव कर दिया था कॉमेंट्स को भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर्स थे उसमें। और पब्लिकली आप याद रखें अपने इस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर आप नहीं छोड़ें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे दो से तीन दिन मतलब सैटरडे नाइट मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि दी आपने रिप्लाई नहीं किया, आप मोबाइल पर मेरा रिप्लाई व्हाट्सएप पे मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और मैंने उनसे पूछा किस बारे में, तो उन्होंने अपना मैटर बताया मुझे और नाम बताया, मैंने नहीं पहचाना। तो शी सेड कि हमारी तो इतनी बात हुई है व्हाट्सएप पे, आपने तो मुझे इतना कुछ एडवाइस किया, तो मैं तो सब ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैंने उनसे एक्चुअली उनका नंबर लिया और फिर जब हमारी बात हुई तो मुझे पता चला कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया ही नहीं, मेरा नाम लेके कोई और उनसे फेक चैट कर रहा था और उनको एडवाइस भी कर रहा था। तो मैंने कहा आप मेरा फ़ोन चालू है, आप वहाँ मैसेज करो कि मान्या दी से एक्चुअली मेरी बात हो रही है। जैसे ही इनका मैसेज गया, उसने अब वो लड़की है लड़का है मुझे नहीं पता, उन्होंने उस बंदी को ब्लॉक कर दिया है। और मैंने उस कांटेक्ट पे इसलिए अभी तक फ़ोन नहीं किया क्योंकि मेरा खुद का कांटेक्ट नंबर है जो मेरा नाम लेकर अगले से फेक चैट कर सकते हैं, फेक एडवाइस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास नंबर जाना इज़ वेरी रिस्की। तो इसमें गलती आप लोगों की है जो लोग कॉमेंट्स में अपने कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ते हैं। अगर कल को कोई मेरा या लकी का बोलकर आपसे बात करे, आपको एडवाइस करे और आपको बुला ले मिलने के लिए, तो आप लोग तो क्रेजी है चले जाएंगे ना, जो लोग मिलने जाएंगे। और बाद में कुछ कम ज़्यादा हो गया तो आप क्या कहेंगे कि मान्या दी ने या लकी भाई ने बुलाया था। तो प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करें। जब तक मेरे इंस्टा पर मैं खुद आपको रिप्लाई नहीं करती हूँ, खुद बात नहीं करती हूँ, तो ऐसे किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं करें। फाइनली मैंने फिर उस लड़की जो बच्ची थी, ज़्यादा बड़ी नहीं है अभी फाइनल ईयर में है, मैंने एक्चुअली उनको डांटा है और कोई एडवाइस नहीं किया। और मैंने कहा मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूँगी और प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि उनका कुछ लव वाला मैटर था, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। तो मैं इस मैटर पर तो एडवाइस करती ही नहीं, जिनको शादी करना है मैं उनको कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं और उनके राइट्स हैं आप पर पहले। तो ऑब्वियसली तो देखिए ये बहुत बड़ी गलती है। तो जितने कमेंट्स मेरी जो नज़रों में थे मैंने डिलीट किए हैं कॉन्टैक्ट नंबर वाले, लेकिन आप लोग गलती से इस तरीके से कॉन्टैक्ट नहीं करें, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं छोड़े। तो लाइफ में मुझे ये सीरियस टॉपिक पर आपसे बात करनी थी और मैं दूसरी ही बातें करके चली गई और आज भी मैं भूल गई थी, मुझे जस्ट अभी याद आया और मैंने तुरंत ये चीज़ आपको बताई है। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखें कि यूट्यूब बहुत कुछ गलत हो जाता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल प्लीज़। तो एक्चुअली ना आज मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने ही कर दिया मुझे लगता है। तो मैं इसे क्लीन भी करूँगी और आपके साथ कुछ बात भी करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ना मेरा 2 kg जो वेट है वो कम हो गया है, घट गया है। आप सभी जानते हैं कि रोज़े होते हैं, रोज़ों के चलते भी होता है। और सेकेंड चीज़, सिंगापुर से आने के बाद ना काम ज़्यादा हो गया, उसके बाद रमज़ान में भी सफाइयाँ और भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, मार्केट जाओ, शॉपिंग करो, ये करो वो करो, तो वो सब के चलते ऐसा हुआ है। तो अभी मैंने 2 दिन से ना एक्स्ट्रा डाइट लेना स्टार्ट किया है, बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं अपना वेट गेन करती हूँ हमेशा से। मुझे मान्या ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी कि दी प्लीज़ अपना वेट गेन के लिए कुछ बता दें, लेकिन उस टाइम पर मुझे नीड नहीं थी। मुझे लगता है मुझे सिंगापुर जाने तक भी कोई नीड नहीं थी क्योंकि मेरा वेट ठीक था। लेकिन अब मैं कर रही हूँ, तो अगर मैं अब कर रही हूँ और आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी कैसे नेचुरल तरीके से आप अपना वेट गेन करें, और जब गेन हो जाएगा तब मैं कम कैसे करें वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे लिए वेट गेन करना या घटा लेना ऐसे ही है, मतलब मैं बहुत ईजीली कर लेती हूँ, हो जाता है और काफ़ी नेचुरल तरीके से होता है। क्योंकि मेरी मम्मा हमें कभी भी ना सिर्फ दवाइयाँ कैप्सूल्स देकर भूख नहीं बढ़वाते थे, बहुत ही नेचुरल तरीके से करते थे और आज भी मैं वैसे ही करती हूँ। तो इवन जो मेरा तरीका है बहुत ही नेचुरल है, आप बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े बूढ़े जवान सब यूज़ कर सकते हैं, बॉय गर्ल्स बंदे लेडीज़ सारे यूज़ कर सकते हैं सभी के लिए, क्योंकि नेचुरल तरीका है, डाइट है, तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके कॉमेंट्स ज़्यादा रहेंगे तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आपसे बात करते करते मेरा ड्रेसिंग टेबल अच्छे से क्लीन हो गया है और मेरा बेबी की कर रहा है, चलो पहले बाथरूम में बेटा पहले फ्रेश हो जाओ। तो लकी अभी भी बाहर गए हुए हैं, लकी अगर आ जाते हैं जब तक तो मैं आपसे जरूर मिलवाती हूँ, हाय हेलो करवाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे कल के व्लॉग में। एक्चुअली ना मेरा अल्तू मकौड़ा है, मकौड़ा अल्तू मच को हर चीज़ें मीठी मीठी पसंद है और अब देखो वो कैसे खा रहे हैं, दिखा
तो चलिए अब सब कुछ हो चुका है, मेरे अल्तू ने आज सारा कुछ कर लिया है और अब मैं करूंगी अपना मेकअप रिमूव। और लड़की एक्चुअली आज बिजी है, मुझे नहीं लगता बंदा आज फ्री होगा। तो मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप रिमूव और आपसे मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।